हाय, वेलकम बैक टू माय चैनल जून टॉक्स। मैं पिछले वीडियो में कही थी कि मैं एक फेशियल स्किन रूटीन दिखाऊंगी तुम सबको। पहले तो मैं एक चीज़ बताना चाहती हूँ कि सबसे अहम स्किन केयर तुमको करना पड़ेगा वो है फेस की। फेस इज़ द मोस्ट क्रूशियल प्लेस ऑफ एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्लेस ऑफ योर बॉडी, क्योंकि फेस को सबसे पहले लोग देखते हैं। ठीक है, तो फेस का जो स्किन है उसको केयर करना इज़ वेरी नेसेसरी। तो पहली चीज़ मैं जो बताना चाहती हूँ कि ट्राई टू मेंटेन योर स्किन विदाउट हैविंग एनी काइंड ऑफ मेकअप, मीन्स हेवी मेकअप। अ बिट ऑफ फाउंडेशन, अ बिट ऑफ काजल, अ बिट ऑफ आईलाइनर एंड द लिपस्टिक इज ओके। विदाउट दैट यू कांट गो आउट, बिकॉज दैट्स नॉट द फैक्ट दैट यू लुक बैड, दैट्स द फैक्ट बिकॉज इट्स नेसेसरी फॉर एवरी वुमेन टू यूटिलाइज दिस। द फर्स्ट थिंग आई वुड से दैट स्किन रूटीन मेरे लिए कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं है, क्योंकि मैं अभी तक उतनी ज़्यादा ब्रांडेड चीज़ यूज़ अभी नहीं किया, कुछ भी नहीं किया वैसे भी। हाँ, यूज़ करती हूँ हेयर के लिए, थोड़ा यूज़ करती हूँ मामा अर्थ या तो फिर प्लम की यूज़ करती हूँ, पर मैंने बचपन से मम्मी को जो देखती आ रही हूँ स्किन फेस रूटीन के लिए, तो मैं वही फॉलो करती हूँ। पहली चीज़ जो है, जो भी बाहर जाते हो वर्किंग ऑफिस में या तो फिर पार्टीज में या तो फिर कहीं पर भी डेटिंग वेटिंग वगैरह कहीं पर भी जाते हो विद अ हैवी मेकअप, डोंट वॉश योर फेस विद जस्ट अ फेस वॉश एंड बी देयर विथ नथिंग। फेस वॉश से वॉश करने से मेकअप जो है वो चली जाती है, वो ठीक ही है, पर मैं एक दूसरी प्रोसीड्योर बताना चाहती हूँ जिससे एटलीस्ट तुम्हारा फेस का जो स्किन है वो हेल्दी रहेगी। फेस का स्किन को मेल ट्रीटमेंट करने से जो होती है वो है पिंपल, एक्नेस बहुत आती है ऑयली स्किन रहने से, फिर एक काइंड ऑफ एलर्जी होती है जहाँ पे फेस में थोड़ा ऐसे और थोड़ा हार्श स्किन नज़र आती है, यहाँ पे स्पेसिफिकली यहाँ पे। तो स्किन केयर इज़ अ मस्ट थिंग एंड स्पेसिफिकली योर फेस स्किन शुड बी टेकन मच 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 केयर। तो फर्स्ट थिंग मैं बताना चाहती हूँ कि जो मेकअप कर रही हो वो हैवी मेकअप के अलावा थोड़ा लाइट मेकअप करने की कोशिश करो। अगर हेवी मेकअप तुम किए हो घर में आने के बाद, पहली चीज़ जो तुम करोगे वो है क्लीनिंग योर फेस मेकअप। फेस मेकअप क्लीन करने के लिए तुम कुछ भी यूज़ कर सकती हो, जैसे कि आयु का क्लींजिंग मिल्क है या तो फिर कुछ मेकअप रिमूवर है, और बेस्ट पॉसिबल वे ऑफ रिमूविंग योर मेकअप एज DIY योर होम इज कोकोनट ऑयल। एक कटोरी में थोड़ा सा कोकोनट ऑयल ले लो, अप्लाई इट ऑन योर फेस। हाँ, जैसे भी लगे, आईलाइनर, मास्कारा, फिर काजल, फिर लिपस्टिक, फिर फाउंडेशन, हाइलाइटर, सब उठ जाती है। वो हेयर ऑयल, सॉरी कोकोनट ऑयल फेस में अप्लाई करो, फिर थोड़ा मैसेज करो स्किन को, तुम देखना कि मेकअप उठ जा रही है। उसके बाद वॉश योर स्किन विद अ फेस वॉश। ना, फेस वॉश के बारे में मैं बताऊंगी। फेस वॉश मैं सभी यूज़ करने के लिए, सभी कुछ भी फेस वॉश यूज़ करने के लिए मना करूंगी। ट्राई टू यूज़ आयुर्वेदिक फेस वॉश। द केमिकल फेस वॉशेस विच कम आउट दोज आर वेरी हार्श टू आर फेस स्किन। आर फेस स्किन इज द मोस्ट टेंडर स्किन। तो आयुर्वेदिक फेस वॉश यूज़ करने की कोशिश करो। मैं हिमालय नीम फेस वॉश यूज़ करती हूँ, दैट हैज़ सूटेड मी अलॉट। मैंने बहुत सारे फेस वॉश ट्राई किए थे, क्लीन एंड क्लियर ट्राई किए थे, उसके पहले मैंने नूमार्क्स का ट्राई किए थे, जोविस का ट्राई किए थे। जोविस इज़ गुड, आई विल नॉट से इट्स बैड, बट बाकी जिसका दो मैंने नाम बताई वो मेरे फेस स्किन को सूट नहीं किया। तो मेरे फेस स्किन को सूट किया था जोविस थोड़ा बहुत, पर पिम्पल बहुत आते थे। फिर मैंने स्विच ऑफ किया, स्विच ऑन किया हिमालय न्यू फेस वॉश में। हिमालय न्यू फेस वॉश इज़ वेरी लाइट, इट डजेंट मेक योर स्किन ड्राई आफ्टर अप्लाइंग इट, इट मेक्स योर स्किन सॉफ्ट एज इट वॉज बिफोर। ये होती है। उसके बाद मैं जो करती हूँ, आफ्टर अप्लाइंग फेस वॉश यू कैन अप्लाई टोनर। नाउ पीपल से व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन टोनर एंड एस्ट्रिंजेंट।
astringent has a bit more amount of alcohol in it. It's for the persons who have oily skin, who have a very hard kind of skin. Those persons can use astringent, but those who persons have dry skin and sensitive skin, don't use astringent at once also. Use the toner, it's good for you. Toner is a light version of astringent and toner itself is a light material. टोनर यूज़ करने से क्या होती है, टोनर यूज़ करने से पोर्स जो है, जिसका पोर्स लार्जर है या तो फिर जिसका पोर्स बहुत ज़्यादा खुली हुई है, तो वो पोर्स बंद हो जाती है। पोर्स बंद होने के बाद क्या होते हैं, ऑयल सिक्रेशन या तो फिर एक्ने जो आते हैं हमारे ये नोज स्ट्रक्चर्स में ज़्यादा आती है एक्ने, वो एक्ने बहुत कम हो जाती है पोर्स बंद होने से। सो यूज़ टोनर आफ्टर अप्लाइंग योर फेस वॉश। मैं आज जिसके बारे में बताऊँगी वो है कि आयुर मॉइस्चराइजर। आयुर मॉइस्चराइजर हैज़ गिवन मी अ चेंज ओवर टू माई स्किन। पहले मैं क्या करती थी, ये मैं पर्सनल एक्सपीरियंस इसीलिए तुम लोगों से मैं शेयर करना चाहती हूँ। मैं पहले करती थी कि फेस वॉश यूज़ करने के बाद ना मैं कोई टोनर यूज़ करती थी ना मैं कोई मॉइस्चराइजर यूज़ करती थी। जब ठंड पड़ती थी तो थोड़ा यूज़ कर लेती थी ऐसे मॉइस्चराइजर, या तो फिर कुछ भी मॉइस्चराइजर, बॉडी लोशन भी मुँह में लगा लेती थी। तो ये सब चीज़ होने से क्या होता है, योर फेस स्किन बिकम्स प्रोन टू एक्नेज एंड पिम्पल्स। तो उसको अवॉइड करने के लिए मैं बोल रही हूँ, आफ्टर अप्लाइंग फेस वॉश एंड क्लीनिंग योर फेस विल फील अ बिट ड्राई। तो ड्राई होने के बाद जो तुम करोगे, पहले अप्लाई अ टोनर, उसके बाद अप्लाई एनी काइंड ऑफ मॉइस्चराइजर जो तुम्हारी स्किन को मॉइस्टन करें। तो मैं यूज़ करती हूँ आयुर मॉइस्चराइजर। दिस इज़ काइंड ऑफ हाफ ना, इट्स मोर देन हाफ देयर। आयुर मॉइस्चराइजर, ओके, दिस हैज़ अ वेरी गुड स्मेल इन इट, अ वेरी लाइट स्मेल। आई हैव वॉश माई फेस विथ फेस वॉश एंड आई हैव नॉट अप्लाइड द टोनर राइट नाउ बिकॉज आई डिडंट हैड एनी हैवी मेकअप। मैं ये बताना चाहती हूँ, ये देखो थोड़ा सा ले लो हाथ में, इतना ही काफ़ी है, इससे ज़्यादा मत लो। फिर अप्लाई ऑन योर स्किन। मैं एक प्रोसीड्योर तुम लोगों को बताना चाहती हूँ, वो प्रोसीड्योर में तुम अपना स्किन में rub it on your both hands, do like this. The circulation of your face is like this, okay? And you will see parlor वाली दीदी जब कुछ facial वगैरह करती है तो ऐसे ही करती है, वो हाथ ऐसे लेते हैं और फिर गालों में ऐसे घुमाती है। तो ये घुमाओ पहले, अंडर आई में ज़्यादा स्ट्रेस दो, ऊपर आई में भी ज़्यादा स्ट्रेस दो, या तो फिर ब्लेंडेड वेरी प्रॉपरली। पुल इट लाइक दिस, योर स्किन विल बी इंटाइटन। ओके, आई हैव अप्लाइड द आयुर मॉइस्चराइजर। सी माय स्किन इज, yeah, you can feel the difference what I was before 2 minutes. So people out there, use this Ayur moisturizer. It's very good for your skin. After applying the toner, apply the Ayur moisturizer. This is rich in vitamin E and this is for all skin types. Chahe tumhari skin oily ho ya to fir dry ho ya to fir sensitive ho, kuch bhi skin mein ye use kar sakte ho. Bahut effective hai skin ke liye. Don't use this moisturizer. Yes, you can apply it on your hands, you can apply it on your neck, but not on your body parts. It's just a moisturizer, okay? And this comes in the price of 50, so it's not a very expensive object. Very cheap, 50 you can buy it in this size. So I have applied this Ayur moisturizer. My skin feels very soft and
फॉलो दिस प्रोसेस ऑफ हैविंग द फेस वॉश. फर्स्ट क्लीनिंग अप योर मेकअप. विदाउट क्लीनिंग अप योर मेकअप डोंट अप्लाई द फेस वॉश. आई विल गिव यू द प्रोसीड्योर इन द नेक्स्ट वीडियो हाउ आई अप्लाई माई स्किन रूटीन. फर्स्ट क्लीन ऑफ योर मेकअप, देन पुट एनी फेस वॉश एंड वॉश योर फेस थॉरोली. आफ्टर क्लीन योर मेकअप विथ आदर कोकोनट ऑयल इज द बेस्ट वे, द बेस्ट नेचुरल वे. द नेचुरल वेज कैन गिव यू द मोस्ट बेस्ट रिजल्ट. यूज कोकोनट ऑयल आदर एनी मेकअप रिमूवर और क्लिनजिंग मिल्क. आयु हैज अ क्लिनजिंग मिल्क, यू कैन यूज इन दैट. आफ्टर दैट यूज फेस वॉश, वॉश योर फेस थॉरोली. देन यूज अ टोनर. दोज हू हैव ड्राई एंड सेंसिटिव स्किन यूज टोनर. दोज हू हैव अ बिट ऑयली स्किन लाइक मी दे कैन यूज एस्ट्रिंजेंट. आई डोंट यूज एस्ट्रिंजेंट, यू गाइज कैन यूज इट, देर इज नॉट अ प्रॉब्लम. बट ड्राई एंड सेंसिटिव स्किन्स डोंट यूज एस्ट्रिंजेंट, यूज अ टोनर. आयुर हैज अ टोनर विच इज इन पिंक इन कलर एंड द एस्ट्रिंजेंट इन ग्रीन इन कलर. आई विल शो यू इन द नेक्स्ट वीडियो. यूज दैट टोनर. आफ्टर अप्लाइंग टोनर यूज दिस आयो मॉइस्चराइजर, इट्स वेरी गुड. यूज दिस आयो मॉइस्चराइजर. इफ यू डोंट वॉन्ट टू यूज दिस मॉइस्चराइजर, एटलीस्ट अप्लाई एनी काइंड ऑफ मॉइस्चराइजर ऑन योर फेस. इट विल मॉइस्चर योर फेस स्किन. सो स्टे हेल्दी, स्टे ब्यूटिफुल. थैंक यू एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक दिस वीडियो.